अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम टेक पी के। आपका होस्ट एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और हमारी कावश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में HBL कनेक्ट से जैज कैश में फंड ट्रांसफर करने का तरीकेकार बताया जाएगा। इसके लिए आपने HBL कनेक्ट को लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपके अकाउंट की मुकम्मल डिटेल होगी और नीचे कुछ ऑप्शन होंगे। इधर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेंड मनी, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम कुछ देर प्रोसेस करेगा और आपके सामने ये पेज ओपन कर देगा। इस पेज से आपने अदर बैंक, इसको सेलेक्ट कर लेना है और अदर बैंक का बेनिफिशरी ऐड कर लेना है। ऊपर जो बैंक की ऑप्शन आ रही है, इधर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पाकिस्तान में बैंक काम कर रहे हैं वो एक लिस्ट में आ जाएंगे। इधर आपने जिस बैंक में फंड ट्रांसफर करने हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप बैंक सिलेक्ट कर लें तो उसके नीचे वाले बॉक्स में उसी बैंक का अकाउंट नंबर लिखना होता है जिस अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपने मोबाइल नंबर लिखना होता है जिस मोबाइल नंबर पे, यानी कि जिस वक्त आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चला जाएगा। वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने ईमेल लिखना होता है। ईमेल ऑप्शनल, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। ईमेल लिखने के बाद आपने नाम लिखना होगा जिस नाम से आप इस बेनिफिशियरी को सेव करना चाहते हैं। नाम लिखकर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है तो सिस्टम कुछ देर प्रोसेस करेगा और इस तरह आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो ऐड कर देगा। जब आपका बेनिफिशियरी ऐड होगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने सिंपल अमाउंट लिखनी है। जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट वाले बॉक्स में लिखना है और नीचे पर्पस ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ये एक प्रीलोडेड लिस्ट होगी। इधर से जो आपका रेलिवेंट पर्पस होगा वो आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिस्टम फिर कुछ देर प्रोसेस करेगा और आपके सामने इस अकाउंट की मुकम्मल डिटेल शो करेगा। आपने इस डिटेल को चेक कर लेना है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपने पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे सिस्टम फिर कुछ देर प्रोसेस करेगा और आपके सामने ये पेज ओपन कर देगा। इस पेज पे आपने अपना पिन कोड दर्ज करना होता है। जो आपका पिन कोड होगा वो दर्ज करेंगे, सिस्टम फिर कुछ देर प्रोसेस करेगा और आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, आपके फंड जो है ये ट्रांसफर हो चुके। ठीक है।